गुजरात के अहमदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में गुरुवार तड़के आग लगने से कोविड 19 के 8 मरीजों की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि कोविड 19 के मरीजों के उपचार के लिए चिन्हित नवरंगपुर इलाके के श्रेय अस्पताल में गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे आग लगी। हादसे में आईसीयू वार्ड में भर्ती 5 पुरुष और 3 महिलाओं की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोविड 19 के करीब 40 अन्य मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग लगने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और स्थानीय से मेयर से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, अहमदाबाद के अस्पताल में लगी आग की घटना से दुख हुआ, परिजनों के प्रति संवेदनाएं, हादसे में घायल हुए लोग जल्द ठीक हो। स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मेयर से बातचीत की गई। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। अहमदाबाद दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आग लगने की वजह से श्रेय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कोरोना वायरस के 8 मरीजों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। सहायक पुलिस आयुक्त LB जाला ने कहा कि विस्तृत जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के 60 निजी अस्पतालों को कोविड 19 के मरीजों के इलाज के लिए चयनित किया है, जिसमें श्रेय अस्पताल भी शामिल है। नगर निगम आयुक्त मुकेश कुमार आग लगने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जो कुछ मिनटों में ही आईसीयू वार्ड तक पहुंच गई। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि भी मौके पर पहुंची और जांच का आश्वासन दिया गया। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 2 IAS अधिकारी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव संगीता सिंह और शहरी विकास विभाग के ASC मुकेश पूरी मामले की जांच करेंगे। बयान के अनुसार उनसे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दायर करने को कहा गया। अधिकारी ने कहा कि गुजरात में कोविड 19 के 1073 नए मामले सामने आए हैं, जो बाद में संक्रमण के मामले बुधवार को 66,777 हो गए। वहीं वायरस से मरने वालों की संख्या 2,557 है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हादसे में घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। क्या कदम उठाए गए हैं और इंसिडेंट के बाद क्या एक्शंस ली जाएगी? पहले तो AD रजिस्टर करके जो प्राइमरी प्रोसीजर है वो की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और न्याय कार्यवाही करेंगे। थैंक यू। कौन है अभी तक का जो प्रोसेस है उसमें कई डेथ दिखाई जा रही है, नंबर ऑफ डेथ अभी तक 8 ही है, बढ़ चुकी है? नहीं, अभी 8 ही है, अभी 8 ही है और बाकी जो पेशेंट है उनको शिफ्ट किया गया है। आपको बाकी की जानकारी हम जैसे मिलेंगे बताएंगे। बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक साइंस के अधिकारी कारणों की इंक्वायरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समग्र घटना की जांच के आदेश दिए हैं और राज्य सरकार की तरफ से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनकी आगेवानी में एक समिति बनाई गई है जिसमें FSL के अधिकारी भी हैं और अन्य अधिकारी भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी इस समिति के द्वारा इस घटना की इंक्वायरी हो और सच्चे कारणों को बाहर लाया जाए। अभी ये हॉस्पिटल बंद है, हमारे अधिकारी अंदर हैं, बाकी के पेशेंट्स सुरक्षित हैं। राज्य सरकार की तरफ से मुझे इतना ही कहना है। बाकी के जो मरीज इस हॉस्पिटल में थे, 41 मरीज, उनको सरकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अभी का हमारा जो काम है वो घटना का जो इमीडिएट जो कारण है और जो हॉस्पिटल है उसको ठीक परिस्थिति में लाना और पुलिस के अधिकारी जो अन्य अधिकारी हैं वो इस घटना के कारणों की स्थल पर आकर इंक्वायरी करें, उसको फैसिलिटेट करना। हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ घंटे पहले ये कुछ हुआ है।
क्या पुराना था, क्या नया था, क्या उसका कारण था, ये सब बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो उच्चतम अधिकारी राज्य सरकार के हैं, उनकी कमेटी बनाई है और वो जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.